आज आप किस बारे में जानकारी देने जा रहे हैं? आज मैं बताऊंगा बांधवगढ़ टूर पैकेज फ्रॉम कोलकाता। यह जानकारी बिल्कुल प्रैक्टिकल है और एकदम ऑथेंटिक है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट आप सभी फ्रेंड से है कि हो सकता है कि यह वीडियो कुछ बड़ा हो जाए, परंतु इसकी जो जानकारी है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी अगर आप कोलकाता से बांधवगढ़ घूमने आ रहे हैं। हाँ, ये जानकारी तो कोलकाता से आने वाले टूरिस्टों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। आप बताइए पूरा डिटेल इसका, हम लोग पूरा सुनेंगे, पूरा समय देंगे। कोलकाता से बांधवगढ़ बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, शायद आपने भी प्रोग्राम बनाया होगा बांधवगढ़ आने के लिए। तो फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ कि आपको बांधवगढ़ का टूर करने के लिए क्या क्या जानकारी उपयोगी है, वो सारी जानकारी मैं अभी आपको दे रहा हूँ। बांधवगढ़ नेशनल पार्क टाइगर्स की डेंसिटी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। एरिया वाइज टाइगर्स की डेंसिटी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा है, इसलिए आप यहाँ पर आएंगे तो आपको टाइगर दिखने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोलकाता से आपको बांधवगढ़ कैसे आना है। तो देखिए, हावड़ा से ट्रेन चलती है जो कि मुंबई हावड़ा ट्रैक की है, तो उसमें एक तो मेल चलती है, वो बहुत अच्छी गाड़ी है, और दूसरी शिप्रा एक्सप्रेस, पर वो हफ्ते में केवल 2 दिन है। अगर आपके आने के दिन में शिप्रा एक्सप्रेस आ रही है तो आप उसको भी ले सकते हैं। और आपका जो ये ट्रेन स्टेशन होगा एमपी में, वो होगा कटनी। बांधवगढ़ अगर आपको आना है तो कटनी जंक्शन स्टेशन पर आपको उतरना होगा। कटनी जंक्शन से बांधवगढ़ आने के लिए आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, तो टैक्सी की बुकिंग आप पहले से ही करा लीजिए, जो कि गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट बांधवगढ़ द्वारा कर दी जाएगी। आप उनसे बात करके टैक्सी बुक कर सकते हैं। कटनी रेलवे स्टेशन से बांधवगढ़ नेशनल पार्क 100 किलोमीटर है और आने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। डिपेंड करता है कार कौन सी ले रहे हैं, बड़ी या छोटी, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 से 2.5 घंटे में सीधे गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट पहुँच जाएंगे और उसके बाद आपका पैकेज स्टार्ट हो जाएगा। आप बांधवगढ़ का टूर पैकेज जब भी बनाइए तो एक ग्रुप बनाइए जिसमें कि 6 के मल्टीप्लिकेशन में आप लोग आइए, वो आपके लिए सबसे इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि जिप्सी सफारी में भी मैक्सिमम 6 लोग बैठते हैं, कॉस्ट उसकी वही रहती है अगर 1 पर्सन बैठे या 6 पर्सन। इसलिए कॉस्ट शेयरिंग में आपका 6, 12, 18 इस टाइप का ग्रुप बनाइएगा, वो आपको इकोनॉमिकल रहेगा। इसी प्रकार से टैक्सी में भी है कि अगर आप इनोवा तवेरा या इस टाइप की कोई गाड़ी ले रहे हैं कटनी से बांधवगढ़ आने के लिए, तो उसमें भी 6 पर्सन का रहता है जगह, तो 6 पर्सन रहेंगे तो भी टैक्सी की कॉस्ट उतनी ही लगेगी, 3 या 4 पर्सन रहेंगे तो भी उतनी ही लगेगी। तो आप हरदम प्रयास ये कीजिए कि आपके 6 के मल्टीप्लिकेशन में ही आपका ग्रुप बने और उसी ग्रुप को लेके आप चलिए, तो आपको हर जगह इकोनॉमिकल पड़ेगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में रुकने के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और इकोनॉमिकल होटल है गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट। आप उसमें 3 शेयर के ऊपर अपनी कॉटेजेस बुक कीजिए, जिससे कि आपको काफ़ी इकोनॉमिकल हो जाएगा, और अगर 6 का ग्रुप है तो 2 कॉटेज लेने में आपका काम हो जाएगा। गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट का अपना रेस्टोरेंट भी है जिसमें आप फूड ले सकते हैं और आपके अनुसार ही फूड मिलेगा। बंगाली फूड आपको मिल जाएगा गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में, तो आप ऑर्डर करके अपनी पसंद का फूड भी वहां ले सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपको सबसे मुख्य चीज़, वो है जंगल जीप सफारी। जंगल जीप सफारी की बुकिंग एमपी गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार 120 दिन पहले से शुरू हो जाती है, तो आप जब भी अपना पैकेज बनाएं 120 दिन पहले बनाएं और पूरे पैकेज की बुकिंग आप गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट से करवाइए और उन्हीं से ऑनलाइन जिप्सी की सफारी भी करा लीजिए, वो सारा कुछ कर देंगे। एक जिप्सी में 6 पर्सन बैठते हैं, इसलिए आपको यहाँ भी 6 पर्सन के ग्रुप का बेनिफिट मिलेगा, तो 6 पर्सन की जो कॉस्ट आएगी आपको जिप्सी में वो लगेगी, और अगर उसमें कम पर्सन रहेंगे तब भी कॉस्ट आपको 6 पर्सन की ही लगेगी,
इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ग्रुप 6 के मल्टीप्लिकेशन पे बनाइए। तो जीप सफारी में गाइड, ड्राइवर, जिप्सी परमिट चार आइटम होते हैं, इन चारों को इंक्लूड जब करते हैं तो जीप सफारी बनती है। इन सभी चीज़ों की बुकिंग गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट द्वारा आप करा सकते हैं, पर हाँ इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बुकिंग 120 दिन पहले करिएगा, जिससे आपको ताला और मगधी जोन की बुकिंग मिल सके, अन्यथा फिर किसी और जोन की मिलेगी तो आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट ताला में ही एंट्री गेट से बिल्कुल पास में है और उसका एड्रेस है नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास, जो कि पास में ही है ताला गेट के। इसलिए आप अपनी सफारी बुक करने के लिए इनको 120 दिन पहले बोलिए। और ताला और मगधी की सफारी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो वो बुक करने के लिए आपको समय का विशेष ध्यान रखना है। और गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट ये सारी बुकिंग्स आपकी करके आपके लिए रख देगा, और जब आप आएंगे तो आपकी जंगल सफारी बिना किसी अड़चन के बहुत अच्छे से हो जाएगी। कटनी से बांधवगढ़ नेशनल पार्क आने के लिए जो टैक्सी चाहिए, वह भी आप गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट से पहले से ही बुक करा के रखिए, जिससे कि आपको रेलवे स्टेशन पे एक भी मिनट का वेट नहीं करना पड़ेगा। आपकी ट्रेन जैसे ही आएगी आपकी टैक्सी खड़ी रहेगी और आप सीधे बांधवगढ़ नेशनल पार्क आ जाएंगे। देखिए, मैं आपको ट्रेन्स के बारे में बता रहा था हावड़ा से आने के लिए, तो एक तो हावड़ा बॉम्बे मेल है, उससे आप आ सकते हैं, दूसरा शिप्रा एक्सप्रेस है, और तीसरी एक और गाड़ी है जो बॉम्बे हावड़ा ट्रैक से नहीं चलती है बल्कि वो सिंगरौली होके आती है, और वो है शक्तिपुंज एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा से जबलपुर जाती है, और उसका रूट जो है वो दूसरा है, सिंगरौली वाला, बॉम्बे हावड़ा का रूट नहीं है, सतना वाला। तो आपको अगर शक्तिपुंज से आना है तो उसके लिए आपका रेलवे स्टेशन होगा ब्योहारी। ब्योहारी जो है वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क से 80 किलोमीटर है, परंतु वहाँ से भी आने के लिए आपको टैक्सी ही लेनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप शक्तिपुंज से आ रहे हैं तो आप गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट से ब्योहारी से टैक्सी की बुकिंग कराइए, जिसमें आपको असुविधा नहीं होगी। वापसी का प्रोग्राम आपका जैसा हो वैसा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप बताइएगा, तो उसी हिसाब से आपकी सारी बुकिंग्स हो जाएंगी आगे की। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो वापस कटनी से आप जा सकते हैं उन्हीं ट्रेन से, और कटनी तक के लिए टैक्सी गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट से बुक हो जाएगी। और अगर आप कहीं मध्य प्रदेश में घूमना चाहते हैं अलग जगहों में, जैसे खजुराहो, अमरकंटक, कान्हा, जबलपुर, पचमढ़ी, तो फिर उसके लिए भी आप गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट में बात कर लीजिए, वो आपका पूरा MP का पैकेज बना के आपको दे सकते हैं, और बहुत ही अच्छा पैकेज बनेगा। उनके संपर्क में इन सभी जगहों में अच्छे अच्छे होटल हैं, इकोनॉमिकल होटल हैं, वो सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब मैं आपको गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि आपको जानकारी होगी तभी आप उसको रिजॉर्ट को बुक करेंगे। रिजॉर्ट का वेबसाइट एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उससे रिजॉर्ट की वेबसाइट देख के पूरे रिजॉर्ट की पोजीशन देख सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं। गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट में अपना इन हाउस रेस्टोरेंट है, जिसमें बंगाली फूड सर्विस मिल जाती है, तो खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट में एक स्विमिंग पूल भी है, जो बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है, तो उसमें आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत सारे झूले लगे हैं, बड़े लोगों के लिए भी झूले लगे हैं, जिसमें वो शाम को बैठ के अपना टाइम पास कर सकते हैं। और गेम्स भी लगे हुए हैं, जैसे स्नूकर पूल है, बास्केटबॉल है, और कैरम बोर्ड है, टेबल टेनिस है, ये सारी चीज़ें गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट में उपलब्ध हैं। और गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट ताला जोन में है, एकदम एंट्री गेट से पास में ही है, इसलिए आपको सफारी में जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप जब भी प्रोग्राम बनाएं बांधवगढ़ का, तो गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट ही बुक करें। गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट बुक करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ है, आप उसे लेके अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं।
गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट देखने में तो आपको बहुत ही महंगा दिखेगा, लग्जरी रिजॉर्ट है, परंतु ये आपको आपके बजट के हिसाब से ही प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट में सबसे ज़्यादा बंगाली टूरिस्ट आते हैं, ग्रुप लेके भी आते हैं। बहुत सारे कोलकाता के ट्रैवल एजेंट्स अपने ग्रुप को लेके गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट में ही आते हैं, इसलिए कॉस्ट वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम इकोनॉमिकल कॉस्ट में गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट के रूम्स आप बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो जानकारी दी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि बांधवगढ़ टूर पैकेजेस फ्रॉम कोलकाता का क्या डिटेल है। परंतु इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर दिया है, आप उसमें फ़ोन लगा के बात कर सकते हैं। और जहां तक बुकिंग का सवाल है, बुकिंग बहुत आराम से होगी आपकी, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन लगा के बात करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग्स में आपको क्या क्या डिटेल प्रोवाइड करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको फ़ोन के ऊपर मिल जाएंगी। तो दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मोबाइल नंबर ले लीजिए और आज ही लगाइए और अपना पूरा पैकेज, रिजॉर्ट, होटल, घर, टैक्सी, जंगल सफारी, ये सारा कुछ गोलब्रो टाइगर व्यू रिजॉर्ट से बुक करवा लीजिए, जिससे आपके टूर के समय आपको किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।